राधे राधे। आज हम बात करेंगे भाग्य रेखा के बारे में। अगर किसी जातक के हाथ में भाग्य रेखा मणिबंद से प्रारंभ होकर सीधा उसके शनि स्थान तक पहुंची है तो वह प्रभावशाली भाग्य को दर्शाती है। ऐसी भाग्य रेखा वाला जातक अपने जीवन में बहुत तेजी से उन्नति करता है तथा उसका भाग्योदय 28 वर्ष की आयु में ही उसका भाग्योदय हो जाता है, जो कि लगभग निरंतर 65 वर्ष की आयु तक उसको भाग्य का साथ मिलता है अपने जीवन में, जो उसके जीवन में तेजी से उन्नति करवाता है। तथा वही भाग्य रेखा अगर हमारी चंद्र स्थान से प्रारंभ होकर शनि स्थान तक पहुंची हो तो वह भाग्य रेखा वाला जातक क्या है, उसको अपने घर वालों का, पारिवारिक लोगों का साथ मिलता है, जिसमें वह अपने घर का व्यवसाय संभाल सकता है, उसमें तेजी उन्नति करा सकता है तथा पार्टनरशिप में व्यवसाय कर सकता है, उसमें उन्नति रहती है। वही भाग्य रेखा जीवन रेखा में से प्रारंभ होकर शनि स्थान पर भी पहुंचती है। इस प्रकार की भाग्य रेखा होना जीवन पर्यंत भाग्य उदय रहना, लेकिन भाग्य उदय होगा कब, अगर बीच जीवन रेखा में से है तो 35 वर्ष की आयु से भाग्य उदय होगा, जो कि लगभग 60 वर्ष की आयु तक भाग्य उदय बना रहेगा। जीवन रेखा के जिस स्थान से भाग्य रेखा प्रारंभ है उस अनुमान को देखना पड़ता है कि वो क्या आयु दर्शा रही है भाग्य को उदय होने की, जिसमें यह भी रहता है कि 35, 36, 37 वर्ष आयु यह दर्शाती है। विशेष तौर पर एक बार जब भाग्योदय हो जाता है तो जीवन पर्यंत भाग्योदय रहता है, जो जातक के जीवन में निरंतर उन्नति कराता है। वही भाग्य रेखा को धन रेखा भी कहा जाता है। विशेष वो धन का अनुमान भी दर्शाती है कि किस हिसाब से धन आपके पास रहने वाला है, किस हिसाब से आपके जीवन में निरंतर ग्रोथ रहेगी। विशेष मणिबंध से लेकर शनि स्थान तक भाग्य रेखा प्रभावशाली हो तो वो जातक के जीवन में ये भी दर्शाती है कि ऐसे जातक के जीवन में कभी भी धन से संबंधित समस्याएं ना रहना या धन की कमी ना रहना। विशेष वह भाग्य रेखा कहीं से दूषित ना हो, तब कहीं से कटी हुई ना हो, बिल्कुल सीधा आपके शनि पर्वत तक पहुंच रही हो तो प्रभावशाली भाग्य को दर्शाएगी। वह धन की कमी कभी नहीं होने देगी। वह जातक कम आयु से ही अपने स्वयं का व्यवसाय, अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकता है, इसमें सरकारी नौकरी के भी योग बन जाते हैं ऐसे जातक के लिए।